हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज मैंने बनाया ये पोहे का चूड़ा, पोहे का नमकीन भी कह सकते हैं इसे। ये फ्राइड वाला चूड़ा है लेकिन खाने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये फ्राइड है, बिल्कुल ऑयल नहीं दिखेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो पोहे का चूड़ा बनाने के लिए यहाँ पोहे लिए हैं, मोटे वाले पोहे हैं ये, जो नॉर्मली पोहे बनाते हैं वही पोहा है। और यहाँ पर इस तरह से हमें छन्नी चाहिए, जाली चाहिए फ्राई करने के लिए, और ये जाली यहाँ रखी है। फ्राई करके हम इसमें डालते जाएंगे नमकीन। तो तेल जल्दी से गरम कर देते हैं। तो तेल मेरा गरम हो चुका है, जाली में पोहे रख के मैं इस तरह पोहे फ्राई कर रही हूँ। ये फटाफट कुछ ही सेकंड में पोहे फ्राई हो जाते हैं, और इसे जाली में रहेंगे तो इजी रहेगा निकालने में भी। तो आप हो सके तो जाली में ही फ्राई कीजिए, जाली में ऑयल भी निकल जाता है ईजीली और बिल्कुल नॉन ऑयली लगेंगे ये पोहे के चूड़े। बहुत प्यारा लगेगा, बिल्कुल लगेगा नहीं कि इसमें ऑयल डला हुआ है या डीप फ्राई भी है ये, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो आप इस तरह बनाइए। इस तरह सारे पोहे मैं रेडी कर लूँगी फ्राई करके। जाली में पोहे रखना है और जल्दी से तेल में डालना है, और तेल एकदम गरम होना चाहिए, कम गरम नहीं, बिल्कुल अच्छा गरम चाहिए तेल। तो सारा पोहा मैं फ्राई कर लेती हूँ और छन्नी में डालती जाऊँगी, जो जाली मैंने रखी है वहाँ पे। ऑयल अच्छे से निकालना है छन्नी से, और ये मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इधर जाली में। अगर थोड़ा सा भी ऑयल रह गया होगा तो वो नीचे निकल जाएगा। तो यहाँ मैं यहाँ सेंगदाने जो रहते हैं, मूंगफली जो रहती है, उसको फ्राई कर देती हूँ। क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आपको ज़्यादा मूंगफली पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, कम पसंद है कम डालिए, बट डालिए ज़रूर, इससे बहुत अच्छा लगता है नमकीन। इसको भी हम कर देते हैं फ्राई, ये भी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। इनको ज़्यादा तेज़ आँच पर फ्राई नहीं करना है, हमें थोड़ी सी आँच को हल्का कम करके फ्राई करना है इन्हें हमें, बट पोहे को एकदम तेज आंच पे फ्राई करना है हमें। सब चीजें फ्राई करते जाना है और लास्ट में हमें मसाला डालना है। जैसे पोहे फ्राई करने के कारण थोड़ा सा ऑयल जो है, एकदम ऑयल ऐसे लग रहा है जैसे बहुत डार्क कलर हो गया है। इसमें मैं अभी फ्राई कर रही हूँ ये चना दाल जो रहती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है ये वाली चना दाल जो नमकीन में डलती है, भुजी चना दाल कहते हैं इसे। तो इसको भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे, एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इन्हें हमें, थोड़ा सा जस्ट फ्राई करना है, हल्का कलर चेंज होगा जैसे इसका, बस उतना ही फ्राई करना है। यहाँ पे भी कड़ी पत्ते फ्राई कर रही हूँ, कड़ी पत्तों को मैंने धो लिया है, काफ़ी सारे कड़ी पत्ते यहाँ उठाए मैंने, कड़ी पत्तों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमकीन में। तो गैस ऑफ करके मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि तेल एकदम गर्म है, तो गैस ऑफ करके कड़ी पत्ते को मैंने फ्राई कर लिया है। फिर गैस ऑन करके मैं हरी मिर्ची को भी मैंने काट के रखा है छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो कड़ी पत्ते फ्राई हो गए, या मैंने हरी मिर्ची भी फ्राई कर ली है, ये मेरे सब फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मुझे डालना है सेव, बारीक सेव जो रहता है। तो बारीक सेव बनाने के लिए पहले बैटर बना लेते हैं उसका। बैटर के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल का लिया है और 4 बड़े चम्मच मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और तेल और पानी को हमें करना है मिक्स अच्छा। फिर इसमें हम आटा बनाएंगे बेसन का। तो ये थोड़ा सा तरीका आप देख लीजिए कैसे मैं बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा नमकीन बनता है इससे। आप ऐसे ही नमकीन, सादा भी नमकीन बना के रख सकते हो। इसमें थोड़ा मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्ची 1/2 छोटा चम्मच, और थोड़े से 3 लौंग मैंने बारीक यहाँ कूट के रखे हैं, लौंग का अच्छा टेस्ट आता है, तो थोड़ा सा लौंग इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और डलेगा नमक, जितना हम नमकीन बना रहे हैं उस हिसाब से आपको नमक और हल्दी डालना। तो मैं थोड़ी सी पहले हल्दी डाल देती हूँ, हल्दी ऑप्शनल है, नहीं डाले तो भी चलेगा। मैंने थोड़ी सी जस्ट हल्दी इसमें ऐड की है, और ये नमक, तो लाल मिर्ची नहीं ऐड करी, उसकी जगह मैंने काली मिर्ची डाली है। तो बस मसाले में इतने ही ले रही हूँ, मसालों को मिक्स कर देंगे और फिर डालेंगे इसमें बेसन। बेसन यहाँ लगभग 1.5 कप जितना बेसन लग जाएगा, तो ये 1 कप जितना मैं पहले डाल रही हूँ। इसको हम तेल और पानी का जो मिश्रण है इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मैं, और इसमें इसे हमें चिपचिपा घोल नहीं बनाना है, इसे हमें आटे की तरह बनाना है, एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। तो ये देखिए आप चिपचिपा घोल बन गया, इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला के मैं थोड़ा सा ये आटा गूंद लूँगी ताकि नमकीन बनाने में आसानी हो हमें। जो नमकीन की मशीन रहती है सेव बनाने की, वो हमें यूज़ करनी है, उसमें ये आटा डालना है हमें। तो उस तरह से हमें आटा पहले रेडी करना है, सॉफ्ट सा आटा रेडी करना है, हार्डनिंग सॉफ्ट सा आटा, इस तरह हाथ से मिलाते हुए ऐड करना है। और कुछ भी पानी और ऐड नहीं करना है, जितना पानी मैंने पहले डाला था उतना सफिशियंट था इसके लिए। ये आटा हमारा रेडी हो चुका है, सेव की मशीन में ये ऐड कर लेंगे और फिर जल्दी से सेव बनाएंगे। तो मैंने यहाँ तेल ले लिया है, मैंने यहाँ दूसरा तेल उठाया है, जो पोहे तले थे वो थोड़ा सा काफ़ी काला काला सा हो रहा था, तो मैंने दूसरा
तेल उठाया नमकीन बनाने के लिए। सेब बनाने की जो ये आते हैं जाली, आप देख सकते हो इसमें दो तीन तरह के शेड अलग अलग रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा मीडियम साइज़ वाला बना रही हूँ। साइज़ इसमें अलग अलग दी हुई रहती है। तो ये सेब की मशीन में मैंने डाल दी है आटा। थोड़ा सा डालने से पहले थोड़ा सा ऑयलिंग आप कर लें मशीन में और फिर डालें, और फिर इस तरह बस दबाते हुए हमें ये सेब बना रहा है। तेल एकदम अच्छा गर्म है तो मैं थोड़ी सी धीमी आँच कर ली है ताकि हम सेब डालते ही एकदम जले ना। मीडियम आँच पर इसको हमें फ्राई करना है ताकि अच्छे से पक जाए। जितना सेब आ सके कढ़ाई में उतना डालिए और फिर उसको फ्राई होने दीजिए। पहले एक साइड से फ्राई हो, फिर पलटना है हमें, दूसरी साइड से फ्राई करना है। इस तरह सारा सेब जो है रेडी कर लेना है और ये सेब जाएगा हमारा चूड़े में, पोहे के चूड़े में। आप ये सेब ऐसे भी बना के रख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। जो हम नॉर्मली पोहे बनाते हैं नाश्ते में उसके ऊपर डाल के खाते हैं, ये सेब आप ऐसे भी बना के रख सकते हो। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये सेब। इस मैं कर दूंगी टुकड़े टुकड़े, एकदम चूरा चूरा कर देंगे इसका, बारीक बारीक कर देंगे। तो इसको मैं दबाते हुए बिल्कुल टुकड़े करिए। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छा बना है सेब। आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्रिस्पी है। जल्दी से मैं थोड़े से मुरमुरे भी सेक लेती हूँ। थोड़ा सा तेल मैंने कड़े में लिया था और इसको थोड़ा सा धीमी आँच पर रोस्ट जस्ट करूँगी इसको मैं, अच्छा सा क्रिस्पीनेस आ जाए इसमें मुरमुरे में। तो मुरमुरे मेरे सिक चुके हैं, सब मैंने ऐड कर दिया है पोहे में। बस नमकीन डालना बाकी है। तो नमकीन भी मेरा फ्राई हो चुका है, तोड़ भी दिया है मैंने, ये बोल में रखा है। तो इसको मैं डाल देती हूँ इसमें, इसको पूरा कर देते हैं मिक्स। और फिर बस ऐड करेंगे हम मसाले और सॉल्ट। तो यहाँ पे मसाले डालूंगी, तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक। नमक स्वादानुसार नमक रहेगा। नमक पहले आप कम ही ऐड करें, ज़्यादा मत डालें। फिर आप थोड़ा टेस्ट करके देखिए, अगर आपको फीका लगे तो आप डाल सकते हो। अगर एकदम से ज़्यादा डल गया तो फिर बड़ी परेशानी जाती है, तो इसलिए आप पहले थोड़ा सा नमक कम ही ऐड कीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर। मैं मसाले थोड़े कम ही यूज़ कर रही हूँ। आपको तीखा पसंद हो, चटपटा पसंद हो, तो आप जो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ तो उसका आप डबल डाल सकते हो। तो पहले मैंने जीरा पाउडर डाला है, अब मैं डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर। आपके पास सौंफ पाउडर नहीं हो तो आप सौंफ को जस्ट दरा दरा कूट कर आप डाल सकते हो। या मैंने सूखे धनिया, जो खड़े धनिया रहते हैं उसको मैंने रोस्ट किया था, थोड़े से धनिया उठा के, और ये इसका मिश्रण भी एक बड़े चम्मच जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। या मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ जिंजर पाउडर, ऑप्शनल है, आपके पास नहीं हो तो नहीं भी डाले चलेगा। तो ये आधा छोटा चम्मच जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी हल्दी, कलर के लिए हल्दी लगेगी। मैंने 1/4 छोटा चम्मच लिया है। आपको ज़्यादा पीले पसंद हो तो आप थोड़ा आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी ऐड कर सकते हो। लाल मिर्ची स्वादानुसार, यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच भर के लाल मिर्ची डाली है। अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसी पसंद है तो आप एक बड़ा चम्मच भर के भी लाल मिर्ची डाल सकते हो। तीखा आप ज़्यादा पसंद करते हो तो, मैंने थोड़ा फ्लेवर कम ही रखा है इसका कि बच्चों को भी ये पसंद आए, क्योंकि बाहर के नमकीन बहुत स्पाइसी रहते हैं, तो ये घर का मैं थोड़ा सा फीका ही बनाती हूँ। मसाले कम, मिर्च कम। तो आप देख सकते हो मेरा नमकीन बिल्कुल रेडी है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई करें, और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ कमेंट करें, जल्दी से बनाइए नमकीन, और जल्दी से कीजिए लाइक शेयर, और प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए मुझे आरडी कुकिंग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी से बनाइए। जय श्री गणेश, वाहेगुरु।